सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। 10th क्लास में आज हम स्केल नंबर 17 की कागज बाट करेंगे। तो स्केल नंबर 17 में हमारे पास हमें पता करना है कि इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है। तो मैं पेपर ले लेता हूँ और इसकी लेंथ है हमारी 110 सेंटीमीटर, ब्रेथ है इसकी हमारी 45 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है हमारी 80 सेंटीमीटर। तो लेंथ और ब्रेथ जो हमारी हो रही है वो है 155 सेंटीमीटर और ब्रेथ और हाइट हमारी होती है 125 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इसकी लेंथ ज़्यादा है, हम पेपर को जो है वो लेंथ की साइड रखेंगे। हमें पता करना है इसमें फुट्टा कौन सा लग रहा है। इसमें फुट्टा आपका है 1.8 सेंटीमीटर का फुट्टा है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाशिया 1-1 सेंटीमीटर का चारों साइड बराबर लगा दिया है और जो अंदर मार मेरा है वो बिल्कुल पूरा पूरा आ गया है। तो हमने इससे काटना है सबसे पहले 155 सेंटीमीटर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं फुट्टे पे यहाँ दर्शाया हुआ है 144 और यहाँ है सीधा 160। तो हमने निकालना है 155, तो 44 और 4 48 और 4 52 और 4 56। तो मैं यहाँ 56 काट लेता हूँ और 56 में से मैं 1 सेंटीमीटर जो है वो घटा लूँगा। यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको घटा दिया है, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने घटा दिया है। तो यहाँ तक मेरा आ रहा है 155 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना है, सबसे आसान तरीके से मैं आज आपको इसके तीन भाग निकालने बताता हूँ। क्योंकि तीन भाग जो है यहाँ से हमने इसके निकालने, तो हमने यहाँ से जो है एक इसमें न्यून कोण लेना है। इस तरह से हम यहाँ से एक इसमें न्यून कोण ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारी रेखा है उसको सबसे आसान तरीके से भागों में बांटने के लिए हमें चाहिए न्यून कोण। इस तरह से मैंने एक न्यून कोण ले लिया, जैसे ये मैंने न्यून कोण ले लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो बाहर को रेखा मैंने लगाई है इस रेखा के मैंने बराबर तीन भाग करने हैं। मैं कल तक बता रहा था आपको सेंटीमीटर में नापना जैसे भी है, तो अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने ये प्रकार खोल दिए, मान के चलो मैंने इतनी प्रकार खोली है और मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ। ये मेरा पहला निशान है, ये मैंने लगा दिया 2, ये मैंने लगा दिया 3। ये देखो मैंने आईडिया से लगाया है, मैंने नाप नहीं रखा था, ये आईडिया से मैंने लगा दिया। अब जहाँ पे हमारा 3 आ रहा है, इस 3 को जो है हमने ये लास्ट लाइन के साथ हमने यहाँ पे ऐसे इसको डॉटेड मिला देना है। इस तरह से हमने मिला दिया। इसी के समानांतर मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ 1, 2 और 3। देखो इसी के समानांतर हमने यहाँ से जो है वो लाइन लगानी है 2 तक। ये आप देख सकते हैं ये मेरी आ गई है 2, और इसी तरह जो है यहाँ से हमने लाइन लगानी है 1 पर। इस तरह से तो जो आपकी ये रेखा, ये जो आपकी कागज बच गया था, हमने लेंथ और ब्रेथ काटने के बाद जो हमारा कागज बच गया था, इस तरह हमने इस कागज के बराबर तीन भाग कर दिए हैं। अब हमने इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक भाग लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक भाग जिन प्रकार खोलता हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे ये मैंने एक भाग जिन प्रकार खोल दी है और मैं यहाँ से निशान लगा दूंगा, ऊपर भी निशान लगा दूंगा और नीचे भी मैं साथ साथ ही मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ इस तरह से। और हमने काटना इसमें लेंथ, ये हमने यहाँ पे एक भाग छोड़ दिया है। अब हम छोड़ेंगे यहाँ से लेंथ, लेंथ इसकी है 110 सेंटीमीटर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ 96 और ये आपका 112 है। तो 112 से 2 डिजिट पीछे ये हमारा है 110 आपका आ गया है। ये आपका एक भाग आ गया, ये आपकी आ गई लेंथ। यहाँ से अब हमने एक भाग और हमने काटना है। यहाँ से हमारे पास ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे ये एक भाग है, तो मैं यहाँ से एक भाग जितनी प्रकार खोल के यहाँ पे चाप लगा रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा आ गया दूसरा भाग आ गया। अब हमने यहाँ से काटनी है ब्रेथ, और ब्रेथ हमारी है 45 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से 45 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये हमारा है, ये देखिए ये 44 और ये एक आ गया 45। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये 32 और 2 34 और 2 36 और 2 38 और 2 40 और 2 42 और 2 44 और 1 मैं आगे ले रहा हूँ यहाँ पे।
ये आ गया 45 और आप देख सकते हैं यहाँ से आगे एक भाग अपने आप छूट गया है। इसी तरह से मैं यहाँ भी इसको माप दूंगा और इसकी लाइनें लगा देता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइनें लगा के कैसे दिखता है। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने ऊपर से भी इसको नाप दिया है, नीचे से भी नाप दिया और इसको मिला दिया है। अब हमने जहाँ इधर को भाग किए थे ना, ये आपके न्यून कोण लेकर के इधर को हम इस शीट को ऐसे घुमा देंगे और अब हमने यहाँ से जो है वो हाइट वाले हाइट और ब्रेड्थ को मिला करके काटना है। हमारी हाइट है 80 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 45 और ये मिलके आ रही है 125। तो हम फुट्टे से 1.8 सेंटीमीटर के फुट्टे से 125 यहाँ काट देंगे। तो ये हमारे पास दर्शाया हुआ 112 128 तो 112 और ये आपका आ जाएगा 4 116 और 4 120। ये 120 है, 120 और 4 24, तो ये आपका 124 और हमने काटना है 125। तो हम यहाँ से 24 के बाद 1 सेंटीमीटर और काट देंगे। ये हमने काट दिया है। अब हमने यहाँ से इसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, एक यहाँ से हम न्यून कोण ले लेंगे ये हमने न्यून कोण ले लिया और इस न्यून कोण के हमने प्रकार से या डिवाइडर से जैसे भी है बराबर 5 भाग हमने करने हैं इसके। यहां से मैं 5 भाग कर लेता हूं इसके। ये देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से मैं 5 भाग कर लेता हूं और इस लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं जहां पे 5 भाग मेरे आ रहे हैं इस तरह से। अब मैं इस पांचवें भाग को ये 1 2 3 4 5 पांचवा जो आपका भाग आ रहा है इसको हमने इस पॉइंट के साथ यहाँ मिला देना है। इस तरह से हमने मिला दिया। अब हमने इसी के समानांतर यहां से रेखा खींचनी है 4 से, फिर हमने खींचनी है 3 से, फिर हम आएंगे 2 और फिर आ जाएगा 1। इस तरह से हमने जो ये बच गई थी हमारी शीट हाइट और ब्रेथ काटने के बाद ये हमारा कागज बच गया था। इसके अब हमने बराबर 5 भाग कर लिए, ये 1 भाग 2 3 4 और 5। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम 2 भाग छोड़ते हैं। हमने जितनी हमारे 2 भाग है इतनी हम प्रकार खोल देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये मैं इतनी प्रकार खोल रहा हूँ और हमने निशान लगाना है यहाँ से। अब देखिए ये मैं यहाँ पर निशान लगा देता हूँ और अब हमने काटनी है हाइट और हाइट हमारी है इसमें 80 सेंटीमीटर। तो मैं 80 सेंटीमीटर काट लेता हूँ यहाँ पे सबसे पहले। तो ये हमारे पास 80 सेंटीमीटर दर्शाया हुआ है, ये आप देख लीजिए 80 सेंटीमीटर आ गया है। और अब हमने काटना है एक भाग, हम एक भाग जितनी प्रकार खोलेंगे यहाँ से, आप प्रकार या डिवाइडर कुछ भी खोल सकते हैं, दूरी आपने सही लेनी है। देखिए जैसे मैं एक भाग ले रहा हूँ यहाँ से, तो ये मैंने यहाँ से एक भाग ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे इसकी ब्रेथ और ब्रेथ कितनी इसकी है 45 सेंटीमीटर है। तो आप ये नहीं यहाँ से देख लेना है, अभी मैं देखता हूँ ये आपकी आ रही है 44 और 1 45। ये देखिए यहाँ पे यहीं पे आ रहा है जहाँ पे हमारे 2 भाग जो है, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, 2 भाग हमारे पीछे बच जाते हैं। इसी तरह से जो हमने है अब यहाँ पे भी इसको डिवाइड करना है और फिर हमने इन लाइनों को मिला देना है इस तरह से। इधर भी हमने निशान लगा दिए, इधर भी हमने निशान लगा दिए और इनको रेखाओं को मिला भी दिया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी जो है वो पेपर डिवीजन हो गई है। अब हम रबड़ की सहायता से ये जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं इन लाइनों को हम यहाँ से मिटा दें इस तरह से। अब हमने इसमें जो हमारी फालतू लाइनें थी वो हमने सारी मिटा दी है। हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स और ये आपका है वाई, इस तरह से हम इसमें एक्स वाई लिखेंगे। और हमने यहाँ लिखना है बिल्कुल इसके सेंटर में, इधर को भी और ऊपर से नीचे को भी हमने यहाँ लिखना है एलिवेशन, यहाँ हमने लिखना है साइड, यहाँ लिखेंगे हम प्लान और इसमें हम दर्शा देंगे कि ये हाइट, यहाँ से ब्रेथ और यहाँ लेंथ, ये सारे माप हम इसमें अभी दर्शा देते हैं। इस तरह से हम यहाँ से बराबर स्पेस छोड़ेंगे ऊपर से नीचे को और नीचे से ऊपर को भी और ऊपर से नीचे को दोनों साइड, और बीच में दो दो लाइनें लगा देंगे। इसके बीच में हम लिखेंगे एलिवेशन, साइड, प्लान और प्रोजेक्शन। और जो हमारी ये एक्स्ट्रा लाइनें आ रही है ये है, इनको हम यहाँ से साफ कर देंगे। इस तरह से ये हमारी स्केल नंबर 17 की
इसकी पेपर डिवीजन हो गई है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है इसकी हाइट, ब्रेथ और लेंथ। लेंथ, ब्रेथ, हाइट हो गई है, एलिवेशन, साइट, प्लान और प्रोजेक्शन भी हमने इसमें लिख दिया। इसी तरह से आपने भी सफाई के साथ इसकी पेपर डिवीजन कर देनी है। अगले वीडियो में मैं आपको स्केल नंबर्स वाला सॉल्व करके बता दूंगा।